विधानसभा चुनाव में प्रदेश की सत्ता में काबिज होने के लिए एक बार फिर कांग्रेस ने जन आक्रोश यात्रा के माध्यम से जन समर्थन जुटाने में जुट गई है। प्रदेश के अलग अलग जिलों में 7 यात्राएं निकाली जा रही है। मंगलवार को जिले में निमगुल से यात्रा का आगाज हुआ। इस यात्रा में कांग्रेस के बड़े नेताओं सहित जिले के विधायक एवं पदाधिकारियों ने भी एकजुटता का संदेश देने का प्रयास किया। निमगुल से शुरू हुई यात्रा मैनगांव होते हुए शहर में पहुंची, जहां कुंदा तट स्थित श्री सिद्धि विनायक के दर्शन पूजन के बाद शहर में वाहन एवं पैदल रैली के रूप में विभिन्न मार्गों से होते हुए यात्रा TIT कॉम्प्लेक्स पहुंचकर सभा में तब्दील हुई। सभा के दौरान रिमझिम बारिश की फुहारों के बीच कांग्रेस नेताओं ने भाजपा शासनकाल पर जमकर शब्दों की बौछारों से निशाना साधा। पूर्व कैबिनेट मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि पिछले 18 साल में भाजपा की सरकार भ्रष्टाचार का गढ़ बन गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 18 साल में 2000 से अधिक घोषणाएं की हैं। वे इतने झूठे हैं कि झूठ बोलने की यदि प्रतियोगिता हो तो वह पहला पुरस्कार लेकर आएंगे। जन आशीर्वाद यात्रा पर तंज कसते हुए कहा कि मुख्यमंत्री किस बात का आशीर्वाद मांगने निकले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन। जन आशीर्वाद मांगने निकले शिवराज चौहान, मानधाता इसके पास में ही है हमारा। तुम्हारी जन आशीर्वाद यात्रा चालू हुई, तुलसी सिलावट यात्रा लेके गए, कमलनाथ जी धोखा खा गए। इस मध्य प्रदेश के जब मुख्यमंत्री थे, उन्होंने सोचा कि मिलावट के खिलाफ इस सिलावट को अपन चार्ज दे दे, पर दुर्भाग्य की सिलावट मिलावटी निकल गए। अब क्या करें, इसका क्या इलाज। मानधाता में पत्थर मार के भगाया, नीमच के मनासा में कैलाश विजयवर्गीय एंड कंपनी की 20 गाड़ी जनता ने फोड़ दी, उल्टे पैर बिना भाषण के भागना पड़ा। ऐसी कौन सी जगह है। कर्नाटक के चुनाव में आपने देखा, मोदी साहब 1 महीने दिल्ली की सरकार में ताला लगा के कर्नाटक में आ गए, पूरे मंत्रिमंडल को ले आए। कर्नाटक में पढ़े लिखे लोग हैं, उन्होंने देखा कि ये सत्ता लोलुपता कितनी है नरेंद्र मोदी की। ताला लगा दिया है दिल्ली में, सारा मंत्रिमंडल लेके कर्नाटक में। जब बस नहीं चला तो भाषण में जय बजरंगबली, जय बजरंगबली। आपने टीवी में देखा होगा, आखिर लाइन बोलते थे मोदी जी कि भैया बटन दबाने जाओ तो जय बजरंगबली बोल के बटन दबाना। बजरंगबली समझ गए, बजरंगबली समझ गए ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, जिन्होंने मेरे प्रभु श्री राम को धोखा दिया है, मेरी आड़ में राजनीति का शिकार नहीं करने दूंगा। बजरंगबली ने आरोप खाने चित्त कर दिया। अपना आशीर्वाद यात्रा क्यों, क्योंकि आपने इस प्रदेश में महंगाई बढ़ा दी, इसलिए। जन आशीर्वाद क्यों मांग रहे हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा किसान आत्महत्या कर रहे हैं। जन आशीर्वाद क्यों, क्योंकि मेरे मध्य प्रदेश में दलित आदिवासी बेटियों के साथ पापाचार हो रहा है, सामूहिक बलात्कार हो रहा है। इसलिए आशीर्वाद मांगने निकले हो शिवराज, कि मेरे किसान का बेटा पढ़ा लिखा नौजवान, उसके हाथ बेरोजगारी से भरे। इसलिए आशीर्वाद मांगने निकले हो कि मेरे किसान को झूठा सपना दिखाया तुमने कि मेरी सरकार बना दो किसान भाइयों, मैं तुम्हारी फसल का दुगना मूल्य दिलाऊंगा, कृषि को उद्योग का दर्जा दूंगा। आप सब समझ रहे हैं साथियों, इस भारत में यदि मुख्यमंत्रियों के झूठ बोलने की प्रतियोगिता यदि हो तो मामा को कौन सा इनाम मिलेगा। पहला इनाम, प्रथम इनाम शिवराज सिंह चौहान को मिलेगा। महंगाई है, महंगाई हम देख रहे हैं चरम पे है। महंगाई के मामले में खाद्य सामग्रियां हो, बिजली बिल हो, दवाई की व्यवस्था हो, बेपना महंगाई इस सरकार के राज में हो गई है। अभी आवास व्यवस्था चली, अब प्रधानमंत्री आवास बंद करेंगे और लाडली बहना आवास देंगे। वारे ढोंगी और ढोंग कर रहा है।
केरल ढोंग इस प्रदेश के अंदर और इस खरगोन वासी और खरगोन जिले के लोगों ने पहचान लिया। 14 दिसंबर को जब पिछली दो बार आए, उसके पहले जब 14 दिसंबर को आए तो मेला मैदान पर बड़ी जोर जोर से और वो नाचने वाले घूमते ना ऐसे घूम घूम पे रैंप पे, बोलो इंजीनियर साहब कौन है बुलाओ एनवीडीए का, इंजल वाला 31 जनवरी को मैं उद्घाटन करने आऊंगा, नागलवाड़ी परियोजना उद्घाटन करने आऊंगा जो आज भी अधूरी है, आज भी अधूरी है। 25,000 से अधिक घोषणाएं कर चुके हैं, 2,000 घोषणाएं इस प्रदेश में पूरी नहीं हुई। वो घोषणा वीर है, हमारे नेता आदरणीय कमलनाथ जी बोलते हैं कि वो जेब में नरियल रख के चलते हैं कि जा देखो भूमि पूजन करा नरियल फोड़ा, वो काम आज तक 18 साल में कहीं जगह नहीं हुआ। मैं इस सरकार के अंदर महिला दुखी है, इस सरकार में आदिवासी दुखी है, इस सरकार में नौजवान दुखी है, इस सरकार में हर वर्ग का आदमी दुखी है। जिस सरकार को राज करने का अधिकार नहीं, जिस राजा के राज में प्रजा दुखी हो ऐसे राजा को राज करने का अधिकार नहीं। अब बदलने का वक्त आ गया। मैं आप तमाम साथियों से निवेदन करता हूं कि भाई उमंग सिंघार जी ने बोला कि 150 सीट, मैं आपके मंच पे आप लोगों की तरफ से आश्वस्त करता हूं कि मध्य प्रदेश में 150 नहीं 160 सीट के साथ कांग्रेस की सरकार है। ये सरकार वो सरकार है जो किसानों को समय पे खाद नहीं दे सकी, किसानों को बिजली नहीं दे सकी, किसानों को बिजली नहीं देने के साथ साथ किसानों को मुआवजा नहीं दे सकी। ये सरकार को बदलना बहुत नितांत आवश्यक है। जो सरकार अल्प वर्षा की वजह से किसानों को मुआवजा नहीं दे, छोटी छोटी जो फसलें थी वो कई फसलें खराब हुई, लेकिन बाद में अतिवृष्टि हुई जिससे इस खरगोन जिले का किसान त्राही हो गया, उसके मकान गिर गए, उसके खेत में कपास खत्म हो गया, उसके खेत में मिर्च की फसल बर्बाद हो गई, जो फसलें थी वो तमाम फसलें। परसों रात को केदार भाई और मैं हम दोनों कलेक्टर महोदय के पास गए, हमने उनसे निवेदन करा कि निमाड़ में प्रत्येक खेत में, खरगोन जिले के प्रत्येक खेत में की पटवारियों से सर्वे कराकर उनको तत्काल मुआवजा दिया जाए। तो उनका कहना था कि अभी तो पटवारी हड़ताल पे है, ठीक है हड़ताल पे है, जब प्रदेश की जनता हड़ताल करेगी तो सरकार को बदल देगी, इतना मैं इस सरकार को बताना चाहता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।